हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भाई हो आप लोग अच्छे होंगे। आ गए हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैंने पहन रखे हैं लेंस, इसलिए नहीं पहना है चश्मा। तो मैं आपको बता दूं कि आज खाने में बन रहा है पनीर, वाइट राइस और रोटी या पूड़ी, क्योंकि मेरी ननद आई हुई है, मेरे हस्बैंड से बड़ी है, तो उन्हीं के लिए तैयारी चल रही है खाने पीने की। अभी पूड़ी खाएंगी या रोटी वो बताएंगी, तो उन्हीं के हिसाब से आगे की जो भी है वो तैयारी होगी, मतलब खाना वाना बनेगा। मैं फोन को यहाँ पे रख देती हूँ। मैं बस यहाँ पे खाने ही बना रही हूँ दोपहर का, ठीक है, शाम का नहीं, दोपहर का खाना बन रहा है। अभी आएंगे, जस्ट थोड़ी देर हुई है, ऊपर आएंगे तो मैं आप लोगों से भी मिलवाऊंगी। और वैसे हमारे नीचे भी खाना बनता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही खाना बनता है। जब कोई रिश्तेदारी मेहमान आता ताकि ऊपर नीचे चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह रसोई है, तो नीचे भी खाना बनाती हूँ मैं। कोई आ जाता है तो खाना नीचे बनता है, लेकिन वहाँ पे मेरे नंदोई भी है तो उनसे मैं घूंघट करती हूँ, जिसकी वजह से मैं ऊपर ही खाना बना रही हूँ। तो वहाँ पर रसोई थोड़ी छोटी है, मतलब हमारी ये ऊपर रसोई है, तो यहाँ पर आराम से खड़े होकर आराम से खाना बना सकते हैं। नीचे की जो रसोई है वो एल शेप में है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा भक्का ज्यादा हो जाता है, और बाहर से दरवाजा बिल्कुल बंद है, हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ा खुला है और जीने भी खुले हैं, तो यहाँ पे इतना भक्का नहीं होता है जितना नीचे हो जाता है। नीचे से दरवाजा भी बंद रहता है ना, इसलिए पूरी कोशिश करूंगी। अगर मैं जब नीचे जाऊंगी, अगर आपको जब दिखा दूंगी, अगर वहां पे मतलब मेरे नंदोई नहीं हुए तो, जी नहीं हुए तो मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे लेके जाऊंगी फोन, और अगर वो हुए तो मैं सर्च नहीं कर पाऊंगी। और ऊपर आएंगी जरूर वो, ऊपर जब वो ऊपर आएंगी खाना वाना खाने तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, लड्डू बेटू अंदर से पनीर दे दियो, पनीर दे दे अंदर से, वहां पे रखा हुआ टेबल पे। आराम से बैठ कर फ्राई करो, लड़ाई वड़ाई मत करना। मैं बस अभी आ रही हूँ, जो भी पूछना बाद में पूछ लेना थोड़ी देर बाद। बाबू चेस खेलता रहेगा, पड़ेगा नहीं, चेस खेल रहा है बैठ के बहुत देर से। चेस भी खेलनी आती है इनको, मतलब मेरे हस्बैंड को। चेस में हरा नहीं सकते आप, और कैरम में कोई भी हरा नहीं सकता यार। मैं रोने लगती हूँ जब उनके साथ, सच में आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उनके साथ खेलने बैठ जाती हूँ ना, चेस हुआ या कैरम हुआ, तो यार मैं तो रोने लगती हूँ। मैं नहीं जीत पाती कभी भी, बहुत ही मतलब मंझे हुए खिलाड़ी। बात और, बिना मेरा फेस देखे मेरे हस्बैंड कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो देखिए मसाला भून रही हूँ, और हाँ मैं आपको बता दूँ, मैं बिना मटर के बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मटर वाला पसंद नहीं करती है। देखिए कितने अच्छे से भून रहा है मसाला, और इधर मैंने पनीर कट करके रख लिया है, मैं मसाला पनीर बनाऊंगी बिना मटर के बनाऊंगी, क्योंकि वो मटर वाला नहीं खाते हैं, ठीक है। और राइस बनाऊंगी इसके साथ, और पूड़ी या रोटी उनके हिसाब से बनेगा। देखिए ये इस टाइप का हो गया है, इसमें मैं ज्यादा पानी नहीं डालने वाली हूँ, बस हल्की सी ग्रेवी करने वाली हूँ, हल्की सी, ठीक है। बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं मैंने, छोटे नहीं है इसलिए टूटेंगे अभी नहीं, हल्का सा फ्राई किया है, मैं आपको दिखाना बोल रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा, मैं अभी स्वेलो कर रही थी तो मैं स्वेलो भी कर लेती हूँ, और हाँ बता भी दूंगी आपको, पहले बता देती हूँ फिर खाऊंगी। हाँ तो मैंने आपने व्लॉग देखा ही होगा, तो मैं आपको नहीं मिला पाई दीदी से, क्योंकि वो किसी काम से आई थी, और यहाँ से जब वो खाना खा के, मतलब नीचे उन्होंने खाना खा लिया था, मैं सूट नहीं कर पाई, और वो तभी एकदम निकल गए काम के लिए, और काम करते ही वहीं से वो निकल गए थे, तो इसीलिए फिर मैं नहीं बना पाई आगे का वीडियो। फिर मैं सोचा कि लास्ट में चलो सलो थोड़ा सा कर लूंगी और आप लोगों को बता भी दूंगी। अभी रात के बज गए हैं 9, और मैं पार्सल पैक कर रही थी, तो मेरे को क्रेविंग हो रही थी, मैं सोचा पहले मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं पार्सल की पैकिंग वैकिंग करूंगी। अभी मैंने शुरू नहीं किया है, पहले मैं सोचा पहले एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ। हस्बैंड ऊपर गए हैं, उन्हें कोई रिपोर्ट वगैरह भेजनी है, इसलिए वो ऊपर काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। अगली बार जब आएंगी दीदी तो मैं आप लोगों को मिलाऊंगी, ठीक है।
इस बार तो मौका ही नहीं मिला ना कुछ बात कर पाए ना मतलब मिला कोई भी बात करने का मौका। बहुत ही अच्छी है पंजाब की मिट्टी। देखिए मैंने दोनों बिस्किट्स खा ली हैं। बताइए जरूर मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आपको दिखाऊंगी, सबसे मिला दूंगी धीरे धीरे, आप चिंता मत करो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, हैप्पी रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।